हेलो, वेलकम टू एवरीवन। माय सेल्फ डॉक्टर के लिए अहमद, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एमएससी एंड एचएलए। एमएससी की जो फुल फॉर्म है मेजर हिस्टो कंपेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, और एचएलए की जो फुल फॉर्म है ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। हम लोग जानते हैं जो यूकेरियोटिक सेल्स होती हैं उनके अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो है जेनेटिक मटेरियल्स होता है जिसको हम क्रोमोसोम कहते हैं, जो 23 पेयर में होता है। तो इसमें जो क्रोमोसोम नंबर 6 होता है उस पर एमएससी की लगभग 200 जीन पाई जाती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी न्यूक्लियेटेड सेल है केवल उन्हीं में एमएससी पाया जाएगा। अगर किसी सेल में न्यूक्लियस नहीं है तो उसमें एमएससी नहीं पाया जाएगा। मेजर हिस्टोकंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स इज अ लार्ज मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम नंबर 6। ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम नंबर 6। इसकी जो लॉन्ग आर्म है जिसको हम क्यू से डिनोट करते हैं, शॉर्ट आर्म है उसको हम पी से डिनोट करते हैं। तो क्रोमोसोम नंबर 6 की जो शॉर्ट आर्म है उस पर एमएससी पाया जाता है। एमएससी जो की जो स्ट्रक्चर्स है वो 200 जीन से मिलकर बना होता है, प्लस ये इम्यून सिस्टम में पार्टिसिपेट करता है। इसके अंदर एचएलए की जीन भी पाई जाती है, मतलब ये इट इज मोर देन 200 जीन फाउंड इन एमएससी इंक्लूडिंग जीन ऑफ एचएलए। एचएलए मतलब ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। एचएलए इज अ जेनेटिक मैटर प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल ऑफ मेजर हिस्टोकंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, यानी कि एमएससी जो है एक बड़ा मॉलिक्यूल्स है, उसके अंदर 200 जीन होती है, उसके किसी एक पोर्शन पर क्या होता है, एचएलए होता है, यानी एचएलए की जीन होती है। एचएलए जो होता है इट इनकोडेड, या एमएससी जो होता है इट इनकोडेड एंटीजन प्रेजेंटिंग प्रोटीन ऑन सेल सरफेस, यानी जो कोई फॉरेन प्रोटीन है जिसको हमें प्रेजेंट करना है उसको ये इनकोड करते हैं एमएससी भी और एचएलए भी। स्ट्रक्चर्स ऑफ एमएससी ये दो तरह के होते हैं, एमएससी 1 एमएससी 2। एमएससी 1 में आप देख रहे हैं कि इसमें एक अल्फा चेन है जो काफ़ी लॉन्ग है और केवल एक एंकरिंग है, दिस वन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिस वन बीटा चेन जो इनकम्प्लीट होती है। एमएससी सेकंड में दो एंकरिंग है, वन एंकरिंग सेकंड एंकरिंग, और इसमें बीटा चेन भी कंप्लीट होती है और अल्फा चेन भी क्या होती है, कंप्लीट होती है। ये इन दोनों का क्या है, स्ट्रक्चर है। तो एमएससी के बेसिक टाइप कितने हैं, टू है, एमएससी 1 एमएससी 2। एमएससी के बेसिक टाइप कितने हैं, टू, एमएससी 1 और एमएससी 2। क्लास 1 एमएससी मॉलिक्यूल्स हर सेल में पाया जाता है बॉडी की, और रिस्पॉन्सिबल होता है एंडोजेनस एंटीजन को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये कोई वायरल प्रोटीन भी हो सकती है, ट्यूमर एंटीजन भी हो सकती है, और किसको रिप्रेजेंट करता है, साइटोटॉक्सिक टी सेल। एमएससी सेकंड मॉलिक्यूल जो होता है ये केवल 3 सेल पे पाया जाता है, एक तो बी सेल यानी बी लिम्फोसाइट पर, मैक्रोफेज पर और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल पर। इसके अलावा एमएससी सेकंड कहीं पर नहीं पाया जाता, और ये एक्सोजेनस एंटीजन को रिप्रेजेंट करता है। ये एक्सोजेनस एंटीजन बैक्टीरिया के हो सकते हैं, या ये कोई वायरल स्ट्रक्चर हो सकता है जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल क्या करती है, इंगल्फ करती है और उसके बाद उसको रिप्रेजेंट करती है, किसको, हेल्पर टी सेल को। तो एमएससी 1 जो है एंडोजेनस प्रोटीन को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि कोई स्ट्रक्चर जो फॉरेन स्ट्रक्चर आके सेल के अंदर एंटर कर जाता है वहाँ पर मल्टीप्लाई करता है, या ऑलरेडी सेल के अंदर कोई स्ट्रक्चर्स है तो वो उसको रिप्रेजेंट करती है। जबकि एमएससी सेकेंड जो होता है वो एक्जोजेनस
एंटीजन को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि जो ब्लड में एंटर किया हुआ बैक्टीरिया या वायरस होता है, तो ये जो सेल्स होती हैं पहले उसको इंगल्फ कर लेती हैं, फिर उसको ब्रेक डाउन करती हैं, फिर उनकी एंटीजन को रिप्रेजेंट करती हैं, किसको, हेल्पर टी सेल को। MSC1 साइटोटॉक्सिक टी सेल को रिप्रेजेंट करता है, MSC2 जो है हेल्पर टी सेल को रिप्रेजेंट करता है। रिप्रेजेंट करना मतलब बताता है कि मेरे अंदर ये एंटीजन है या बॉडी के अंदर ये एंटीजन घूम रहा है। दिस वन अगेन, ये पूरी एक सेल है, उसके अंदर ये MSC2 का स्ट्रक्चर दिखा है, उसके अंदर क्या है चाहिए होता है और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हेल्पर टी सेल को। जनरली क्या होता है मेडिकल साइंस में, MSC और HLA जो टर्म होती है वो इंटरचेंजेबल होती है, एक दूसरे के लिए बोली जाती है, खासकर ह्यूमन में। मतलब हम लोग MSC और HLA दोनों में कोई फर्क नहीं समझते हैं, दोनों को एक ही तरह से लेते हैं। ओके, थैंक यू।